Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 15. So अब हम लोग धीरे धीरे machine learning process में आगे बढ़ रहे हैं. हमने last video में देखा how to frame a machine learning problem और अब आज के video से अगले 3-4 video तक हम लोग data gathering के ऊपर focus करेंगे. So as you know already, machine learning में everything is about data. In fact, अगर आप एक बहुत अच्छे algorithm को कम data देते हो तो उसका performance will be worse than एक खराब एल्गोरिथम जिसको आप बहुत ज्यादा डेटा देते हो. तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अलग अलग सोर्सेज से डेटा लाना सीखेंगे, ठीक है? सो दैट फ्यूचर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाए और आपको डेटा की जरूरत हो तो आप वो डेटा ला पाओ, ठीक है? तो आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड आई विल शो यू कि हम क्या क्या सोर्सेज से डेटा लाना सीखने वाले हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. सो या गाइस, हम लोग इन टोटल 4 वीडियोस में ये पूरा काम डिवाइड करेंगे. सो डेटा गैदरिंग जो है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं. सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग. सबसे पहले इस वीडियो में विल वर्क विथ CSV फाइल्स. सो जब आप अपना मशीन लर्निंग जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे ज्यादा जो डेटा फॉर्मेट के साथ काम करना पड़ता है, एटलीस्ट इनिशियली, दैट इज CSV फाइल फॉर्मेट. अगर आप कैगल पे जाके कोई भी डेटा सेट खोजोगे तो देर इज अ 90% चांस कि आपको CSV फाइल फॉर्मेट ही मिलेगा, ठीक है? और ऑनेस्टली CSV फाइल मिलने से चीजें इजी हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू अदर डेटा गैदरिंग टेक्निक्स. तो ये सबसे इजी वाला है, इसको सबसे पहले कवर करेंगे और ये सबसे ज्यादा यूज होगा एटलीस्ट आपकी इनिशियल जर्नी में. ग्रेजुअली जब आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम टैकल करोगे तो फिर डिफरेंट डेटा सोर्सेज आने लग जाएंगे. बट या, दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है? सेकेंड, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन JSON and SQL data. So, अगर आप कैगल पे जाओगे तो आपको एक दूसरा जो फाइल फॉर्मेट बहुत ज्यादा दिखाई देगा वो है JSON, जो जिसका फुल फॉर्म होता है JavaScript on notation. और APIs के थ्रू जनरली जब भी आप डेटा लेके आते हो तो JSON फॉर्मेट में रहता है. इट्स अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट डेटा का. दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर आपस में बात करना है तो JSON इज जनरली यूज, ठीक है? एंड SQL आई गेस आपको पता ही होगा, बेसिकली आपका डेटाबेस से डेटा आप डायरेक्टली निकाल रहे हो, दैट इज SQL, ठीक है? तो ये दो फाइल फॉर्मेट्स भी बहुत यूज होते हैं कैगल पे. तो हम ये तीनों के साथ पहले कंफर्टेबल हो जाएंगे. उसके बाद हम लोग दो चीजें और सीखेंगे. हम लोग एक सीखेंगे फेच डेटा फ्रॉम एन API. हम एक एक्चुअल वेबसाइट के सर्वर से डेटा को पुल करेंगे और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे. ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा क्योंकि API के साथ आपको फ्यूचर में काम करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? एंड द लास्ट वन वुड बी वेब स्क्रैपिंग. सो कभी कभी क्या होगा कि आपके पास डेटा सोर्स नहीं होगा और डेटा जो होगा वो किसी और वेबसाइट पे होगा जो आपको देना नहीं चाहता है, APIs नहीं है, ठीक है? इन दैट केस आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज टू स्क्रेप द वेबसाइट. डेटा में आप मतलब उस वेबसाइट पे आप एक पार्सर चलाते हो पाइथन में या किसी भी और लैंग्वेज में, और वो पार्सर क्या करता है, उस वेबसाइट के HTML कोड को नेविगेट करके काम की चीजें बाहर निकाल के आपको दे देता है, ठीक है? तो दिस विल बी वीडियो 1, दिस विल बी वीडियो 2 जो हम कल देखेंगे, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4, ठीक है? तो फिलहाल मैं इन्हीं 4 चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ. अब इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे गूगल का बिग क्वेरी बोल के एक है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो. आप डेटा वेयरहाउस बना करके वहां से डेटा कैसे फेच किया जा सकता है उसके ऊपर काम कर सकते हो. इसके अलावा NoSQL डेटाबेसेस हैं, उनसे कैसे डेटा फेच करना है वो भी आप सीख सकते हो. बट मेरे को ऐसा लगता है कि सिंस अभी आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, ये 4 चीजें अगर आप सीख गए तो आप अपना 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. इनफैक्ट 95% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. उसके आगे फिर आप ऑन द गो सीखते रहना, ठीक है? या फिर मैं उसका कुछ करूंगा जो आ, ठीक है? सो एनीवेज, दिस इज द प्लान. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन CSV, ठीक है? सो आई हैव अ नोटबुक ओवर हियर और ये मेरा सेटअप है गाइज. ये मैंने एक नोटबुक बना रखा है वर्किंग विद CSV. ये मेरा एक जुपिटर नोटबुक है और यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स पहले से अपलोड कर रखी हैं. ये अलग अलग CSV फाइल्स हैं, एक्सेप्ट दिस वन, ये TSV फाइल है. मैं इन सब के बारे में आपको बताता हूँ. सो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि CSV होता क्या है. अगर आपको नहीं पता है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि CSV कैसा होता है. सो ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना गाइस, दिस इज CSV फाइल
फॉर्मेट, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो डेटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसवी का फुल फॉर्म इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो हर रो जो है, एवरी रो इज इन वन लाइन, और दो वैल्यूज के बीच में जो सेपरेशन है वो एक्चुअली कॉमा से, ठीक है। तो ये एक बहुत फेमस फाइल फॉर्मेट है जो मशीन लर्निंग डेटा साइंस में बहुत यूज होता है, और इसी के ऊपर हम लोग सबसे पहले काम करना सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक टीएसवी बोल के भी है। टीएसवी का मतलब होता है टैब सेपरेटेड वैल्यूज। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बस बीच में ये टैब्स लगे हुए हैं, दो वैल्यूज के बीच में टैब लगे हुए हैं। तो टीएसवी उतना फेमस नहीं है, बट कभी कभी ऐसा डेटा सेट मिल जाता है, तो वो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज माई नोटबुक, यहाँ पे मैंने लाइन से टॉपिक्स बना रखे हैं। सी हम लोग मेनली जो फोकस करेंगे वो इस फंक्शन पे फोकस करेंगे। अगर आपने पैंडास की वीडियोस देखे होंगे मेरे, तो वहां पे मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता रहा हूँ रीड अंडरस्कोर सीएसवी फाइल, ये फंक्शन के बारे में। कभी भी अगर आपको सीएसवी फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है तो दिस इज द फंक्शन दैट यू विल यूज। अब ऑनेस्टली मैं आपको सिर्फ एक सिंगल फंक्शन रन करके भी दिखा सकता था, बट मैंने बहुत लंबा चौड़ा नोटबुक बनाया। उसका रीजन ये है कि आपका जो रीड अंडरस्कोर सीएसवी जो फंक्शन है ना, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और ये बहुत सारे तरीकों से आपको हेल्प कर सकता है। बट बिगिनर्स जनरली क्या करते हैं, या जनरली आप जो यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे उसमें क्या रहता है कि एक दो ही चीजें समझा के छोड़ दिया जाता है। बट व्हाट आई वांट कि ये वीडियो आपके लिए रेफरेंस का काम करे, कि कभी भी फ्यूचर में आप किसी भी तरीके से फंस रहे हो किसी भी सीएसवी फाइल में, तो आप पलट के इस वीडियो को रेफर कर सको। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स, अराउंड 15-16 पैरामीटर्स में डिस्कस करूंगा। सो थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, बट अगर आप देखोगे तो फिर फ्यूचर में आपको कभी भी सीएसवी फाइल्स के साथ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेट मी फर्स्ट शो यू कि अगर आप रीड सीएसवी का डॉक्यूमेंटेशन देखते हो, रीड सीएसवी पैंडास का अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हो, तो आपको ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और यहां पर अगर आप नोटिस करो, इतने सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इन लोगों ने बहुत तरीके के केसेस को हैंडल करने के लिए कोड लिख रखा है, और अगर आप इन पैरामीटर्स को थोड़ा ढंग से स्टडी कर लो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सीएसवी फाइल्स के साथ, ठीक है। तो मैं सारे के सारे कवर नहीं कर रहा, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट सब कुछ कवर करने का जरूरत नहीं है। मुझे खुद इतनी कभी प्रॉब्लम आई नहीं, मैं आपको वो प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो मैंने कभी फेस की, ठीक है। तो आई विल कम बैक टू माई नोटबुक और यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो, ओके। सो सबसे पहले सीएसवी फाइल, अगर आपका मतलब रीड अंडरस्कोर सीएसवी आपके सीएसवी फाइल को लोड कर सकता है, अगर आपके मशीन पर सीएसवी फाइल है या फिर उसका यूआरएल भी आपके पास है, तो भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। सो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपके मशीन पर ये फाइल पड़ी हुई है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, ऑगस्ट अंडरस्कोर ट्रेन डॉट सीएसवी, तो इसको लोड करना बहुत सिंपल है। सिंस ये वाली फाइल और ये वाली फाइल दोनों सेम ही फोल्डर्स में है, तो मुझे बस डायरेक्टली फाइल का नाम लिख देना है। अदरवाइज मैं रिलेटिव पाथ दे देता कि किसी फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल, ठीक है, वो आपको शायद पता होगा। आपको बस ये कोड लिखना है, पीडी डॉट रीड सी एस बी फाइल का पाथ, और फिर आपको बस डीएफ को प्रिंट कर देना है, और ये देखो गाइस आपका लोड हो गया फाइल, ये आपके मशीन से लोड हुआ लोकली, ठीक है। अब अगर आप चाहो, लेट्स से मेरे पास इस यूआरएल पे ये सीएसवी फाइल है, ठीक है, ये एक्चुअली गिटहब के ऊपर है और किसी ने डाल रखा है ये, कोई गिटहब यूजर ने, और मुझे ये यूआरएल मिल गया, मुझे ये पर्टिकुलर सीएसवी फाइल ओपन करना है अपने पाइथन कोड में अपने मशीन पे। अब ऑब्वियसली ये सर्वर पे है गिटहब के, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। ये कोड स्निपेट है, टू बी ऑनेस्ट आपको खुद से कुछ कोड लिखने का जरूरत नहीं है। मैं इस नोटबुक का गिटहब लिंक आपको दे दूंगा, या आप अपने किसी फोल्डर में रख सकते हो। फ्यूचर में कभी भी अगर आपको सर्वर से कोई सीएसवी फाइल का डेटा लोड करना हो, आप ये कोड स्निपेट कॉपी पेस्ट कर देना। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट बोल के एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है। रिक्वेस्ट डॉट गेट करने से आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर यूआरएल से फाइल का सारा कंटेंट फेच कर सकते हो लाइक दिस, और ये रिक्वेस्ट में आके वो स्टोर हो जाता है पूरा का पूरा कॉन्टेंट, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें से सारे के सारे कॉन्टेंट में से सिर्फ टेक्स्ट को फेच कर रहे हो, तो ये सारा टेक्स्ट आ जाता है और फिर आप उसको रीड कर ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पर इस चीज पे अगर आप थोड़ा फोकस करो, तो ये बेसिकली हेडर्स पास किए आपने। जब भी आप रिक्वेस्ट मॉड्यूल के साथ काम करते हो, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप एक क्लाइंट की तरह काम कर रहे हो, एज इफ आपका ये प्रोग्राम इज अ यूजर जो उस यूआरएल पे हिट करके कॉन्टेंट मंगा रहा है। तो यहाँ से आप बस बता रहे हो कि इस इन हेडर्स के साथ रिक्वेस्ट गया, ठीक है, इट्स ओके, इट्स नॉट
दैट इंपॉर्टेंट, आपको बस ये कोड स्निपेट से मतलब है, और आपको इस यूआरएल को बस कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस वेरिएबल के अंदर, दैट्स इट। फ्यूचर में कभी भी आपको इस कोड को यूज करना है, आपको बस यूआरएल में पेस्ट कर देना है, और इतने कोड को आप जैसे ही रन करोगे, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप सर्वर से लोड कर रहे हो, और ऑल्सो डिपेंड्स कि कितना बड़ा डेटा है। तो यू कैन सी ये मेरा डेटा सेट है 194 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो मैं बस अभी तक मैंने आपको ये बताया कि आप सीएसवी फाइल्स को आप अपने लोकल मशीन से भी लोड कर सकते हो, और आप चाहो तो सर्वर से भी लोड कर सकते हो, दोनों का कोड आपके सामने है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां पर एक स्टेप पैरामीटर होता है, ठीक है। स्टेप पैरामीटर आपके फंक्शन में होता है, जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये जो डेटा है, मूवी टाइटल्स मेटा डेटा डॉट टीएसवी, अब ये टैब सेपरेटेड वैल्यू है, ठीक है। अब डिफॉल्ट जो होता है, अगर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप शिफ्ट टैब प्रेस करो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सेप जो है इसका डिफॉल्ट वैल्यू कॉमा, इसीलिए रीड अंडरस्कोर सीएसवी बाय डिफॉल्ट सीएसवी फाइल्स को लोड करता है। अब ये कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली अगर आप टीएसवी टाइप की फाइल्स के साथ डील कर रहे हो, जहां पे जो वैल्यूज हैं वो कॉमा से सेपरेटेड नहीं है। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये कोड रन करता हूँ, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, अगर मैं ये कोड को रन करता हूँ, देखो क्या होगा। सी, सब कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि कॉमा उसको मिला नहीं, और इसलिए सब कुछ एक ही सिंगल लाइन में आ गया, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में आपको क्या करना होता है, आपको बस यहाँ पे सेप वाले पैरामीटर का वैल्यू को ओवरराइड करना होता है टू स्लैश टी, स्लैश टी का मतलब टैब। सो आप बोल रहे हो कि रादर देन फाइंडिंग कॉमास फाइंड टैब्स, और उसके बेसिस पे कॉलम्स क्रिएट करो, ठीक है। और अब आप इस कोड को जैसे ही रन करते हो, ये रहा गाइस आपका आउटपुट, ठीक है, ये रहा आपका आउटपुट। अब यहाँ पे आप थोड़ा नोटिस करोगे तो एक चीज गड़बड़ हुई है, कि आपका जो कॉलम है, कॉलम का नाम आपके पास नहीं है, कॉलम का नाम आपके पास नहीं है, आपके पास इंस्टेड जो फर्स्ट रो था वो कॉलम बन गया, ठीक है। ये कभी कभी होता है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, सी आप क्या करोगे कि यहाँ पे अगर आप देखो, हमारे पास इस फंक्शन के पैरामीटर्स लिस्ट में एक और पैरामीटर है बाय द नेम ऑफ नेम्स। यहाँ पे अगर आपके पास कॉलम का नाम नहीं है तो आप खुद से एक लिस्ट पास कर सकते हो कॉलम्स के नाम के साथ, और वो ऑटोमेटिकली फिर चीजें हैंडल कर लेगा। जैसे बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप नेम्स बोल के एक पैरामीटर पास करोगे, एक एक लिस्ट पास करोगे, जहाँ पे आप इन सारे कॉलम्स का नाम दे दोगे, ठीक है। अब नाम आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ऑब्वियसली अगर आप डेटा देख के समझ पा रहे हो तो आप लिख लोगे, ठीक है। जैसे पहला यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर लग रहा है, दूसरा मुझे लग रहा है मूवी का नाम, तीसरा मुझे लग रहा है रिलीज ईयर, रिलीज अंडरस्कोर ईयर, चौथा मुझे लग रहा है रेटिंग, और फिर आई गेस नंबर ऑफ वोट्स है ये शायद, और लास्ट में है जॉनर्स, राइट। और जैसे मैं ये कोड रन करूंगा, यू कैन सी अब वो जो पहला रो हेडर बन गया था वो वापस नॉर्मल हो गया, और आपके सारे कॉलम नेम्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो फ्यूचर में कभी अगर आप ऐसे फंस रहे हो कि आपके पास जो डेटा है उसमें कॉलम नेम्स डिफाइंड नहीं, और आपका फर्स्ट रो कॉलम बन गया है, कॉलम नेम बन गया, तो आप ये वाला कोड स्निपेट यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज इंडेक्स कॉल पैरामीटर। सो लेट मी शो यू ये क्या करता है। सो यहां पर अगर आप ये डेटा देखो, ऑगस्ट अंडरस्कोर ट्रेन डॉट सीएसवी, जो भी ये डेटा है, मुझे पता नहीं है डेटा क्या है, यहां पर अगर आप नोटिस करो तो यहां पर एक कॉलम है एनरोली आईडी, ठीक है। अब यहां पे इंडेक्स भी है और यहां पे ये ईआईडी भी है, दो दो इंडेक्स रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो कभी कभी आपका कोई ऐसा कॉलम हो जो आपके एनालिसिस में काम नहीं आने वाला, तो आप चाहो तो उसको इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, लाइक दिस। आपको बस यहाँ पर लिखना होता है इंडेक्स कॉलम और कॉलम का नाम, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और अब आप इसको रन करोगे, यू कैन सी आपका जो डिफॉल्ट पैंडास इंडेक्स था जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है वो रिप्लेस हो गया इससे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया एक पैरामीटर। नेक्स्ट इज हेडर पैरामीटर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने कभी कभी फेस किया है। सो ये मेरे पास एक टेस्ट डॉट सी एस बी फाइल है, इसको जब मैं रन कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है कि आपका फर्स्ट जो रो है
वो एक्चुअली कॉलम का नाम है, बट सिंस जिसने भी ये सीएसवी जनरेट किया उसने उसके आगे लाइक कॉलम के नेम के आगे उस रो के आगे जीरो लगा दिया, तो अब पैंडा समझ नहीं पा रहा है कि ये एक नॉर्मल रो नहीं है, ये आपके कॉलम हेडर्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये करना है कि इसको कॉलम के नेम में कन्वर्ट करना है और अपना डेटा फ्रेम को यहां से स्टार्ट करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ता है हेडर इक्वल्स जीरो, हेडर इक्वल्स टू जीरो आई गेस वन, वन लिखना पड़ता है। आपका जो फर्स्ट मतलब आपका जो फर्स्ट रो है वो वन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये आपको स्पेसिफाई करना है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो चीज है ये आपका कॉलम का नाम बन जाता है। ठीक है, सो ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, एक जब आपके पास कॉलम नेम्स ही नहीं है और दूसरा जब आपके कॉलम नेम्स रोज की तरह ट्रीट हो रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में आप ये दो कोड स्निपेट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट इज यूज कॉल्स पैरामीटर। सो जैसे कि ये डेटा है मेरे पास, अब इसमें काफी सारे कॉलम्स हैं, राइट? अब होता क्या है मशीन लर्निंग में कि आपको जब डेटा सेट मिलता है तो नॉट नेसेसरीली यू विल यूज ऑल द कॉलम्स, ऐसा बहुत बार होता है। इनफैक्ट आपको शुरू से पता होता है कि मुझे कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए या फिर मुझे कुछ कॉलम्स ही चाहिए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि डेटा को इंपोर्ट करने के टाइम ही आप कॉलम्स का नाम बता सकते हो जो कॉलम्स आपको चाहिए हैं, बाकी सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। जैसा आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से मुझे चाहिए है एनरोली आईडी, जेंडर और एजुकेशन लेवल, मुझे सिर्फ ये तीन कॉलम्स चाहिए, ज्यादा भी ले सकते थे बट तीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको बस क्या करना होगा यहाँ पे, यूज कॉल्स यूज करके यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर उन सारे कॉलम्स का नाम आपको बताना होगा जो आपको चाहिए, लाइक दिस जेंडर और एजुकेशन लेवल, एजुकेशन लेवल। और अब आप जैसे इस कोड को रन करोगे, अब आपको पूरा डेटा फ्रेम नाम मिल करके सिर्फ ये तीन कॉलम्स का डेटा फ्रेम मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो फिल्टर आउट करने के लिए। आपके पास आगे भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं पैंडास में, बट ये एक इजी तरीका है, शुरू में ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज आपको बतानी थी। नेक्स्ट इज स्क्वीज पैरामीटर। सो कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई एक ही कॉलम चाहिए होता है, ऐसा बहुत रेयरली होता है, मतलब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल यूज करता हूँ, तो मैंने सोचा पढ़ा देते हैं आपको। जैसे मुझे सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए और आप अगर स्क्वीज इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो अब ये पैंडास डेटा फ्रेम ना बन करके पैंडास सीरीज बन जाता है, बस यही इस चीज में होता है। अगर मैं इसको रन करूं तो सिर्फ एनरोली आईडी आया है, और अगर मैंने यहाँ पे जेंडर लिखा होता तो सिर्फ जेंडर आता, और ये पैंडास का सीरीज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डेटा फ्रेम नहीं है ये, तो ये उतना काम नहीं आता ऑनेस्टली, बट सिंस हम पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट इज स्किप रोज एंड एन रोज। ठीक है, स्किप रोज नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें आप जो भी वैल्यूज दोगे वो पर्टिकुलर रोज आप स्किप कर लोगे, वो आप लेके नहीं आओगे अपने पाइथन कोड में। जैसे कि यहाँ पे ये मेरे पास डेटा है, लेट्स से मुझे ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला रोज नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्किप रोज इक्वल टू 0,1। ठीक है, अब आप नोटिस करना ये दोनों नहीं आने चाहिए और आउटपुट ये आना चाहिए। ठीक है, 11561 थर्ड वाला आई गेस, मैंने ध्यान नहीं दिया, या देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ। सो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप कंजेकेटिव नंबर्स दो, आप चाहो तो लेट्स से आपको जीरो हटाना है और आपको टू हटाना है, तो आप ये भी लिख सकते हो स्किप रोज इक्वल टू 0,2। तो यू कैन सी 11561 अभी भी आया, बिकॉज वियर्ड है, नहीं आना चाहिए था। स्किप रोज इक्वल्स 0,5, तो जीरो हट गया और फिर फाइव भी हट गया, पता नहीं कुछ गड़बड़ हुआ गाइस, आप लोग एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि आप इसको और भी अलग अलग ढंग से यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग यूज केस ये है कि आप यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो और उस फंक्शन के अंदर आप जो भी लॉजिक लिखोगे उस लॉजिक के हिसाब से आप रोज को स्किप कर सकते हो। जैसे कि एक लॉजिक हो सकता है कि मुझे सिर्फ फाइव के मल्टीपल में जो रोज हैं वो हटाने हैं, या फिर मुझे सिर्फ ऑड वाले रोज रखने हैं, इवन वाले रोज हटाने हैं, तो इस तरह का लॉजिक आप चाहो तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो
और ये आप खुद से ट्राई करो, इतना तो आपको करना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया स्किप रोज। नेक्स्ट होता है एन रोज। सो एन रोज क्या करता है कि एन रोज में आप जितना भी वैल्यू दोगे आप उतने ही रोज इंपोर्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं एन रोज यहाँ पे 100 कर दूं, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो देर आर 19,000 रोज, बट जैसे ही मैं एन रोज 100 करूंगा अब सिर्फ 100 रोज ही आएंगे। तो ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है उस नंबर को जितने रोज आप इंपोर्ट कर रहे हो। इसका फायदा कब होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हो जिसमें 10 लाख 1 करोड़ टाइप के रोज हैं और उतना आप एक साथ मेमोरी में लोड नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपका रैम कम है, तो उस तरह के सिनेरियोज में आप इंटेलिजेंटली एन रोज को यूज करके अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों भी काम के हैं, कभी कभी मतलब काम आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एनकोडिंग पैरामीटर। ये एक चीज है जिसने मुझे काफी परेशान किया था जब मैंने मशीन लर्निंग स्टार्ट किया था। कैगल पे आपको कुछ डेटा सेट्स मिलेंगे जिनका एनकोडिंग इज नॉट UTF-8, मतलब एक डिफॉल्ट एनकोडिंग होता है। क्या किया मैंने, या यहाँ पे अगर आप जाओगे तो एक एनकोडिंग बोल के पैरामीटर होता है जो कि फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है। एनीवेज वो UTF-8 होता है, सबसे नॉर्मल वाला जनरली। और आपके बहुत सारे जो डेटा सेट्स हैं वो नॉर्मली चल जाएंगे क्योंकि वो UTF-8 इनकोडेड होते हैं। बट फिर आपको कभी कभी कुछ ऐसे डेटा सेट्स मिलेंगे जहां पर वो डिफरेंटली एनकोडेड होंगे एक अलग कैरेक्टर सेट्स के साथ, ठीक है। जैसे इमोजीज का डेटा सेट है तो वो एक अलग एनकोडिंग है, या फिर आप कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का डेटा सेट इम्पोर्ट कर रहे हो जैसे कि हिंदी एंड ऑल, तो हो सकता है कि वहां पे कैरेक्टर इनकोडिंग कुछ और हो, UTF-8 को छोड़ के कुछ और हो। इन दैट केस क्या होगा कि अगर आप जैसे ये एक डेटा सेट है zomato.csv, ये बहुत फेमस डेटा सेट है जिसपे मैंने काम किया है, और जैसे आप इसको पहली बार लोड करोगे ना आपको ये एरर दिखाई देगा। ये एरर आपको जैसे ही दिखाई दे आपको समझ जाने कि आपका जो एनकोडिंग है वो UTF-8 नहीं है उस डेटा सेट का। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सबलाइन टेक्स्ट जैसे किसी एडिटर में जाकर के उसका एनकोडिंग चेंज कर दो, और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप पता करो कि उसका एनकोडिंग क्या है और एनकोडिंग पैरामीटर में वही वैल्यू पास कर दो। जहाँ जैसे यहाँ पर जो वैल्यू है वो है Latin-1, ये एक एनकोडिंग वो है फॉर्मेट है, और अब आप इसको जैसे ही रन कर रहे हो तो ये रन होने लग जा रहा है। तो अगर आपको ये मिल जाए तब तो बढ़िया है, अगर ये ना मिले तो किसी कोड एडिटर में जा करके आप इसका एनकोडिंग चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर, ठीक है। अब अगर होना होगा तो हो जाएगा। अब कुछ अगर आपने ऐसे कैरेक्टर्स यूज कर रखे हैं वहां पे जो UTF-8 में एनकोड नहीं हो पा रहे तो वो स्किप हो जाएंगे या वो काइंड ऑफ ब्लैंक की तरह दिखाई देंगे, ठीक है। सो एनीवेज ये चीज आपको एक दिखानी थी क्योंकि इससे मैं काफी परेशान हुआ था जब मैंने ये सब शुरू किया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज स्किप बैड लाइंस। सो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसे डेटा सेट्स आएंगे जिनमें बीच बीच में कुछ रोज में गड़बड़ होगा। गड़बड़ होने का मतलब क्या है कि आपके पूरे CSV फाइल में 5 कॉलम्स हैं, मतलब हर रो में 5 वैल्यूज है, बट फिर बीच में कुछ कुछ रोज में 6 वैल्यूज है, 9 वैल्यूज है, 10 वैल्यूज है, तो वो रीड नहीं कर पाता है पैंडास, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक डेटा सेट देखो, ये मैंने एक डेटा सेट डाउनलोड किया था वाइल बिल्डिंग अ बुक रिकमेंडर सिस्टम, ये बुक्स का डेटा सेट है। अब यहाँ पे सेपरेटर जो है CSV होना, मतलब नॉर्मली कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर वो सेमी कोलन है बिकॉज ये जिसने भी बनाया वो थोड़ा अलग ढंग से बनाया, और यहाँ पे एनकोडिंग इज Latin-1। बट आप इसको जैसे ही रन करोगे ना तो पार्सर एरर आएगा, और आप अगर एरर को रीड करोगे तो वहां पे बोलेगा एक्सपेक्टेड 8 फील्ड्स इन लाइन 6452 109। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा डेटा ला रहा था मेमोरी में, तभी रो नंबर 6452 में उसको क्या समझ में आया कि 8 कॉलम्स के बदले 9 वैल्यूज है, तो रो गया आपका कोड। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर एक पैरामीटर होता है एरर बैड लाइंस, इसको फॉल्स करना होता है, तो वो स्किप हो जाती है वो लाइंस, जिन भी लाइंस में गड़बड़ होगा वो स्किप हो जाएंगी, और आपका आउटपुट देखो ये सारी लाइंस में गड़बड़ था ये स्किप हो रहा है, इस लाइन में भी गड़बड़ था, इस लाइन में भी गड़बड़ था, इतनी लाइंस में गड़बड़ था, ये लाइन स्किप हो गई और बाकी का आपका डेटा लोड हो गया, ठीक है। तो अगर कभी आपको पार्सर एरर दिखाई दे तो देर इज अ ग्रेट चांस कि आप इस तरह का कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है। इन दैट केस आपको एरर बैड लाइंस कर देना है और वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स डिस्कस
डी टाइप्स वाला पैरामीटर। सो डी टाइप्स का क्या सीन है कि डी टाइप्स नाम से समझ में आ रहा है, डेटा टाइप्स। सो होता क्या है कि जब आपका रीड सीएसवी फंक्शन एक सीएसवी फाइल को देखता है, उसके डेटा को देखता है, तो वो कॉलम वाइज एनालाइज कर लेता है कि उस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है। सो ये सब कुछ डिफॉल्ट होता है, बट अगर आप चाहो तो इस बिहेवियर को ओवरराइड कर सकते हो, और ये कभी कभी बहुत काम आता है। ठीक है, लेट मी शो यू कब। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक डेटा था जो हमने भी थोड़ी देर पहले यूज भी किया, इसका नाम था, आई जस्ट ओपन इट, ऑगस्ट ट्रेन डॉट सी एस वी। अब यहां पर अगर आप नोटिस करो, जो लास्ट कॉलम है उसका नाम है टारगेट, और टारगेट में जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअली फ्लोट हैं, बट जो वैल्यूज हैं वो वन और जीरो ही हैं। बट मतलब आप इसको इजीली इंटीजर में रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट जिसने भी डेटा क्रिएट किया वहां पर इसको फ्लोट में रिप्रेजेंट किया गया, तो फालतू में फ्लोट यूज हो रहा है, ज्यादा मेमोरी लेगा, कोई पॉइंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि सच में ये फ्लोट है। आप इन्फो फंक्शन को कॉल कर सकते हो, और ट्रेनिंग में ये देखो फ्लोट 64 दिखा रहा है। सो अगर आपको ये नहीं चाहिए और आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डी टाइप पैरामीटर को यूज कर सकते हो। यहां पर आपको एक डिक्शनरी के अंदर कॉलम का नाम देना होता है, कॉलम का नाम है टारगेट, हाँ टारगेट, और उसको कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, इंटीजर। ठीक है, अब इसको जैसे आप रन करोगे, यू वुड सी जो आपका लास्ट वाला कॉलम है दैट इज नाउ एन इंटीजर। ठीक है, अगर मैं इसको इन्फो कर दूं तो यहां भी आपको दिख जाएगा कि इंट 32 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कभी कभी काम आता है, आप शुरू में ही एनालाइज करके देख सकते हो, अगर आप मेमोरी बचा सकते हो तो बचा लो। ठीक है, तो कभी कभी काम आता है। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होता क्या है कि जब भी आप रीड सीएसवी यूज करते हो, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी डेट कॉलम्स होते हैं ना, उनको एज स्ट्रिंग पार्स किया जाता है, एज स्ट्रिंग पार्स किया जाता है। तो अगर वो स्ट्रिंग बन जाएगा डेट, तो आप उसको डेट वाली फंक्शनैलिटीज उसकी यूज नहीं कर पाओगे। मतलब आप ये फेच नहीं कर सकते कि कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा डे चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, आपको डेट टाइम फॉर्मेट में उसको रखना पड़ता है। तो ये करने के लिए आप क्या करते हो, लेट मी फर्स्ट शो यू। मेरे पास एक डेटा सेट है, पीडी डॉट रीड सी एस वी, और आईपीएल का डेटा सेट है बेसिकली वो। और यहां पर अगर आप नोटिस करो, ये डेट है, आईपीएल का हर मैच किस दिन हुआ, ये इंफॉर्मेशन इस कॉलम में है। अब अगर मैं इन्फो करके दिखाऊं, तो यू वुड सी जो डेट है वो ऑब्जेक्ट बन के आया। आप अगर आपने पैंडास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट का मतलब स्ट्रिंग होता है पैंडास में। तो अगर आपको इसको नॉर्मल डेट टाइम में पार्स करना है, तो आपको यहाँ पर एक पार्स अंडरस्कोर डेट्स बोल के पैरामीटर मिलता है। यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर आप उन कॉलम्स का नाम डाल दो जिनको आपको एज डेट पार्स करना है। सो अब अगर मैं इसको रन करूं, आपको आउटपुट में कुछ चेंज नहीं दिखाई देगा, बट अगर आप इन्फो करोगे तो यू वुड सी ये डेट टाइम 64 है। ठीक है, और ये बहुत काम आता है। अब ये एकदम डेट की तरह ट्रीट होगा, आप डेट के ऊपर फिल्टर्स लगा सकते हो, इस डेट के बाद, इस डेट और इस डेट के बीच में, इस तरह के आप फिल्टर्स लगा सकते हो जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर ये स्ट्रिंग होता तो आप डेट वाला लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब एक चीज आप और ट्राई करना, यहाँ पे अगर आप पार्स डेट्स में जाओगे पैंडास वाले में डॉक्यूमेंटेशन में, तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि आप एक लिस्ट के अंदर आप कॉलम्स का नाम डाल सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है जो डेट्स हैं, तो आप ये फॉर्मेट में नाम पास करोगे या इंडेक्स ऑफ द कॉलम पास करोगे। बट अगर कभी कुछ ऐसा डेटा सेट है आपके पास जहाँ पे मंथ अलग है, डे अलग है और ईयर अलग है, तो अगर आप चाहो उनको मर्ज करके एक सिंगल कॉलम भी बना सकते हो। उसका सिंटेक्स ये है, आपको इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट पास करना है जिसमें कॉलम का नाम और इंडेक्स होगा, सारे कॉलम्स का नाम और इंडेक्स। और ये क्या करेगा, इट विल कंबाइन कॉलम्स 1 एंड 3 एंड पार्स एज अ सिंगल डेट कॉलम। ये बहुत काम की चीज है, कभी कभी कुछ डेटा सेट्स में ऐसा हो सकता है, तो ये मर्ज करने का बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, ये सेम चीज आप डिक्शनरी में भी कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, डिक्शनरी पास करना है। यहाँ पे लिस्ट के अंदर वो सारे कॉलम्स जिनको जोड़ करके एक सिंगल डेट कॉलम बनाना है, और फिर उसको क्या बुलाना है, फू बुलाना है, तो फू बुला लिया। ठीक है, तो ये आप लोग ट्राई करके देखना अगर आपको ऐसा कोई डेटा सेट मिले, मुझे मिला नहीं, मिलता तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, सो ये हो गया हैंडलिंग डेट्स। सो गाइज, नेक्स्ट इज कन्वर्टर्स, और कन्वर्टर्स एक्चुअली बहुत ही पावरफुल फीचर है रीड अंडरस्कोर सीएसवी का, एंड आई लेट यू नो वाई। कभी कभी क्या होता है कि आप
कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करना चाहते हो अपने कुछ कॉलम्स के ऊपर इवन बिफोर यू हैव लोडेड द डेटा सेट, ठीक है? जैसे कि आई गिव यू वन एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये डेटा सेट है आईपीएल का, दिस इज द डेटा सेट। अब यहाँ पे यू कैन सी कि टीम्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है? अब लेट्स से मुझे ये पूरा नाम नहीं चाहिए, व्हाट आई वांट इज शॉर्ट नेम्स। जैसे आरसीबी के केस में, मतलब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के केस में आरसीबी, मुंबई इंडियंस के केस में एमआई, मुझे ये नाम चाहिए रादर देन ये वाले। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन एक्चुअली क्रिएट अ फंक्शन, लेट्स कॉल इट रीनेम, जिसको अगर आप एक नेम दोगे तो वो चेक करेगा इफ नेम इज इक्वल टू लेट्स से आरसीबी। कॉपी। तो अगर ये मिलेगा तो रिटर्न हो जाएगा आरसीबी, एल्स नेम एज इट इज रिटर्न हो जाएगा। मान लो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है? ये हमारा फंक्शन है। सो अगर आप देखो रीनेम में अगर मैं पास करूं आरसीबी तो मुझे आरसीबी टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट कन्वर्टर्स, यहाँ पे आई विल पास अ डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर मुझे उस कॉलम का नाम लिखना है जिसके ऊपर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, Team 1, और फिर मुझे फंक्शन का नाम बता देना है, दैट इज रीनेम। और बस इस कोड को मैं जैसे ही रन करूंगा यू कैन सी Team 1 के अंदर जहां जहां पे आरसीबी है उन सभी जगह पे मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो गया। और इस तरीके से आप कितने भी ट्रांसफॉर्मेशन कितने भी कॉलम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है? तो ये भी एक चीज दिखानी थी। अब लास्ट बची दो चीजें, एक है एनए अंडरस्कोर वैल्यूज पैरामीटर। इसमें मेन फंडा क्या है, पहले मैं आपको एक बार डेटा सेट लोड करके दिखाता हूँ, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और यही डेटा सेट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप नोटिस करो ये एनएन वैल्यूज है, एनएन वैल्यूज का मतलब है मिसिंग वैल्यूज, ठीक है? अब ये मिसिंग वैल्यूज अगर आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए फिर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, फिल एनए, ड्रॉप एनए, हटाने के लिए या फिल करने के लिए। प्रॉब्लम कब होता है कि कुछ कुछ डेटा सेट्स में आपको यहाँ पे एनएन के बदले एक हाइफन डला होगा, तो वो हाइफन ना एनएन रहा और ना उसकी कोई ढंग की वैल्यू है, तो उस तरह की वैल्यूज बहुत परेशान करती हैं, ठीक है? तो इसीलिए क्या किया जाता है कि शुरू में ही आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि किस तरह की चीजों को आप एनएन वैल्यूज मानना चाहते हो। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेल का मतलब है हाइफन, ये हमें नहीं चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट राइट एनए वैल्यूज, और एनए वैल्यूज में मैं क्या कर सकता हूँ, एक लिस्ट के अंदर पास कर सकता हूँ वो सारी वैल्यूज जिसको मेरा रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन एम्प्टी मानेगा, एनएन मानेगा, ठीक है? सो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा यू कैन सी जहां जहां पे भी मेल था वो सब एनएन हो गया, और जो एनएन था वो तो एनएन है ही, और क्या फीमेल था ही नहीं क्या, आई डोंट नो, फीमेल था ही नहीं शायद, हाँ यहाँ पे सभी जगह पे मेल ही दिखाई दे रहा था, तो वो भी आप वो एम्प्टी वैल्यू कंसिडर करने लग गए। तो ऑब्वियसली आप मेल है उसको ऐसा नहीं करोगे, अगर कहीं हाइफन है या परसेंटेजेस है कहीं भी, अगर प्लेस होल्डर्स है जिनको आपको डिटेक्ट करवाना है कि ये भी एम्प्टी है, वहां पे आप एनए अंडरस्कोर वैल्यूज का यूज करोगे, आप यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके और भी वैल्यूज पास कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है? तो ये हो गई एक चीज, कभी कभी काम आ जाती है। अब है लास्ट वाली चीज जो मुझे बहुत पर्सनली इंटरेस्टिंग लगती है। सो कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत बड़े डेटा सेट के साथ काम कर रहे होते हो और एक साथ उसके ऊपर कोई ऑपरेशन अगर आप अप्लाई करो तो होता नहीं है, क्योंकि मेमोरी में इतनी जगह ही नहीं है, मतलब रैम में इतनी जगह नहीं बची। तो यहाँ पे काम आता है चंक्स में डिवाइड करना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर से सेम डेटा सेट में यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस सेम डेटा सेट, और ये देखो अब यहाँ पे 19,000 रोज है, अब मान लो यहाँ पे 19 लाख रोज है एक एग्जाम्पल के लिए। तो आप क्या कर सकते हो कि लोड करते टाइम इस डेटा सेट को चंक्स में डिवाइड कर सकते हो। कैसे, आपको बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा चंक साइज, और आपको नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाई कर देने हैं जितने के आप चंक्स बनाना चाहते हो। तो लेट्स से मेरे पास 19,000 रोज है, मैं 5,000 के चंक्स बनाना चाहता हूँ। सो मेरा पहले चंक में 5,000 रोज होंगे, उसके बाद नेक्स्ट 5,000, उसके बाद नेक्स्ट 5,000, ठीक है? और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ DFS,
डेटा फ्रेम्स, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको कुछ भी करना है अपने डेटा सेट्स के ऊपर, अपने डेटा फ्रेम्स के ऊपर, तो आप लूप के अंदर करोगे। आप ये कोड लिखते हो, फॉर चंक इन डीएफएस, प्रिंट हर चंक का साइज। अब यहां पे हर चंक जो है गाइस वो एक डेटा फ्रेम, ठीक है। और ये देखो साइज क्यों कर दिया मैंने, साइज नहीं करना था मुझे, मुझे लिखना था शेप। मैं आपको दिखाना चाहता था कि कितने कितने रोज गए, लेकिन सी एकदम बराबर में डिवाइड हुआ, 4158, 4158, 4158, और सब में बराबर कॉलम्स है, ठीक है। अब अगर आपको सब में कुछ चीज अप्लाई करनी है, लेट्स से आप ग्रुप बाय ऑपरेशन करना चाहते हो या आप कुछ भी करना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, बस लूप के अंदर रख करके उस ऑपरेशन को चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर अपने पैंडास वाले प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ। ये मेरे को कुछ 6-8 महीने पहले ही पता चला था कि इस तरीके से हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि 6-8 महीने पहले मुझे एक ऐसा डेटा सेट मिला जो बहुत बड़ा था और मेरा मशीन उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर वहां पर मुझे ये वाला फंक्शन बहुत काम आया था, ठीक है। तो ये भी बहुत काम का है, कभी अगर आप फंसे बहुत बड़े डेटा सेट के साथ, तो दिस इज हाउ यू विल हैंडल द प्रॉब्लम, ओके। सो विद दैट, यस, हमने कंप्लीट कर लिया ये वाली चीज, और आई गेस फिर से बड़ा ही वीडियो हो गया, अराउंड 30 मिनट्स का हो गया होगा, बट ट्रस्ट मी, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी है। रीड अंडरस्कोर सीएसवी में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब कल हम लोग सीखेंगे जेसॉन और सीक्वल डेटा के साथ कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग, ठीक है। लेट्स मीट टुमारो, बाय।